आर डी बर्मन विख्यात म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन के बेटे थे। उनका पूरा नाम राहुल देव बर्मन था, लेकिन कहा जाता है कि अशोक कुमार ने जब बचपन में उन्हें बार बार प बोलते सुना तो उनका नाम पंचम रख दिया। एक कहानी ये भी बताती है कि वो पांच अलग अलग सुरों में रोते थे, इसलिए उनका नाम पंचम रख दिया गया। 9 साल की उम्र में ही फंटूश फिल्म के लिए संगीत देने वाले पंचम दा अपने पिता की काफी सहायता करते थे और उनकी फिल्मों में भी संगीत दिया करते थे, जैसे सर जो तेरा चकराए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कोरा कागज था ये मन मेरा इत्यादि। संगीत बनाने का उनका तरीका बेहद अलग था। चम्मच, ग्लास, स्कूल की डेस्क, बांस की सीटी, सब कुछ उन्होंने अपने गाने में इस्तेमाल किया। और तो और, एक बार जब उन्हें बारिश की आवाज कैद करनी थी तो वो रात भर अपने घर की बालकनी में खड़े होकर बारिश की आवाज रिकॉर्ड करते रहे ताकि उन्हें बिल्कुल सही संगीत मिले जैसा वो चाहते हैं। उन्होंने भूत बंगला और प्यार का मौसम नाम की दो फिल्मों में एक्टिंग भी की। फिल्म फेयर के लिए 18 बार नॉमिनेट हुए पंचम दा, लेकिन 3 बार जीते, जिसमें से एक अवार्ड उन्हें मरणोपरांत दिया गया। सबसे ज्यादा उन्होंने लिरिसिस्ट आनंद बख्शी के साथ काम किया, फिर मजरूह सुल्तानपुरी और उनके बाद गुलजार साहब का नंबर आता है। आशा भोसले जी के साथ उनकी शादी अंतिम दिनों में मुश्किलों से गुजर रही थी, लेकिन ये बात दुनिया के सामने नहीं आई। उन्होंने कुमार सानू, अभिजीत जैसे गायकों को ब्रेक दिया। उनके कुछ सदाबहार गाने कुछ यूं हैं, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, मेरा कुछ सामान, मेरे नैना सावन भादो, आजा पिया तोहे प्यार दूं, बाहों में चले आओ। ये सभी गाने अपने आप में बेहद लोकप्रिय हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। संगीत के इस जादूगर पंचम दा को हमारा शत शत नमन।